सनी देओल के बेटे की शादी के कारण अभी धर्मेंद्र परिवार चर्चा में बना हुआ है। हेमा से धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की थी और कई बार हेमा पर धर्मेंद्र का घर तोड़ने का भी आरोप लग चुका है। हाल ही में शादी के 43 साल पूरे होने के बाद हेमा ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र संग अपनी शादी और प्यार पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि यदि उनकी धर्मेंद्र के साथ पारंपरिक तरीके से शादी होती तो जिंदगी ही कुछ और होती। बीते दिनों ही हेमा और धर्मेंद्र की शादी को 43 साल हुए थे और इस मौके पर हेमा ने धर्मेंद्र के साथ अपने खास फोटो साझा किए थे। हाल ही धर्मेंद्र ने बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र संग शादी और जिंदगी को लेकर अपनी बात रखी। बता दें, हेमा और धर्मेंद्र की शादी साल 1980 में शादी हुई थी। हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं, आहना और ईशा देओल। हेमा ने अपनी शादी को लेकर कहा, प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं और फिर यह हमेशा रहता है। पारंपरिक होना शायद मेरे लिए नहीं बना था और यही कारण है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रही हूँ। अगर मेरी शादी पारंपरिक होती तो मैं शायद आज कुछ नहीं होती। आज मैं फिल्में और डांस कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पर जा रही हूँ, राजनीति से जुड़ी हूँ, ये शायद पारंपरिक जिंदगी में नहीं होता। हेमा ने अपनी शादी की 43वीं सालगिरह पर अपने दिल की बात कही थी। उन्होंने लिखा था, मैं आप सभी की निजी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर इतना प्यार दिया। 43 साल की यह यात्रा बेहद खूबसूरत रही और हम ऐसे ही आगे अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। आपको हेमा मालिनी का बेबाक बयान कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।